गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज मैं कविता फिर से आप लोगों के साथ एक नया ब्लॉग लेके आ चुकी हूँ और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 10 बजे से। 10 बज चुके हैं, बाहर बहुत ही अच्छी धूप आई है और आज फिर से मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ। जो एक दिन पहले डाला वो बहुत पहले का था और आज जो मैं डाल रही हूँ वो भी बहुत पहले का ही है, मतलब वो अभी का है। तो अब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो चुकी है और अभी मैं किचन में हूँ और रोटी बना रही हूँ। बाकी तोसु भी ठीक है और मैं भी ठीक हूँ, इस वजह से मैंने सोचा आज ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ मडुए की रोटी और आलू और बड़ी की सब्जी। बीच में तोसु के पापा भी आए थे, वो उस टाइम पे मैं ब्लॉग बना नहीं पाई, वो गए कल सुबह मॉर्निंग में, तो मैं तब ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो रही थी। जैसे ही वो गए वैसे ही कल रात फिर से मुझे बुखार आ गया, लेकिन अभी ठीक हो। पता नहीं रात रात को क्यों आ जा रहा है जबकि दवाई चल रही है, उसके बाद भी फट जा रही है। तो गाइज आप लोगों को भी शायद मडुए की रोटी अच्छी लगती होगी, कमेंट करके बताना किस किस को अच्छी लगती है। बाकी थोड़ी देर में मैं आपसे मिलती हूँ रोटी बना के। उसको भी बाहर खेल रहा है, आज मैंने पानी में इतना काम कर दिया ना, पता नहीं रात को क्या होगा, आज मेरे को समझ नहीं आ रहा क्योंकि मैंने बाहर भी धो दिया, अंदर फर्श भी धोया, बाहर का फर्श भी धोया, एक बाल्टी भी कपड़े भिगोने डाल रखे हैं। लेकिन बहुत दिन हो गए थे, फर्श भी गंदा हो रखा था इस वजह से और कपड़े भी बहुत सारे इकट्ठा हो चुके हैं, तो कब तक नहीं धो लूँ, इसलिए मुझे धोने ही पड़ेंगे। रोटी मेरी कुछ इस तरीके से हो रही है जल जुल के, लेकिन ज़्यादा कड़कड़ी बनाऊंगी, जितनी कड़कड़ी बनाऊंगी ना उतनी टेस्टी होती है, इस वजह से मैं ज़्यादा जला रही हूँ। ये मत सोचना कि मेरे को रोटी बनानी नहीं आती, मेरे को आती है मडुए की रोटी बनानी। तो थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे, बाय। तो गाइस रोटियाँ मेरी बन चुकी हैं, अभी से लेके शाम तक केले मैंने बना दिए हैं और ये रहा मक्खन जो मैंने घर में निकाला था, ये पूरा कटोरी था, इसके पापा ने दो ही दिन में साफ कर दिया, उन्हें बहुत पसंद है। तो गाइस मैंने इसमें लगा दिया मक्खन अपनी रोटी में, गरम गरम एकदम कड़क रोटी हो रही है और फटाफट से मैं इसको खाती हूँ। और मुझे ये भी पता है कि मतलब मेरे को खांसी जुकाम हो रहा है तो मुझे घी नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये घी नहीं है मक्खन है, इससे भी नुकसान हो सकता है, लेकिन मडुए की रोटी है और आज ख़त्म हो गया है आटा, तो बिना घी के साथ कैसे खाऊँ मैं, घी के साथ खाना तो बनता है। हम आपको टेस्ट करके बताते हैं, मतलब मीठी हो रही है, पता नहीं क्यों मीठी मीठी जैसी लग रही है, मज़ा आ गया। आइए आज दिन के नाश्ते में हमारा बना है टोमेटो सूस, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो उसको पता नहीं क्या करेगा, ऊपर से मैंने प्याज भी काट दिया है, तो उसको खाएगा नहीं खाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बना दिया। पूरे दिन ब्लॉग नहीं बना पाए, अभी शाम को कहीं बर्थडे पे जाना है, पीछे बर्थडे में जाना है, उन्होंने अभी फ़ोन करा तो मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ बर्थडे में जाने से पहले। तो हम रेडी हो चुके हैं और तो उसको भी रेडी कर दिया है, तो सीधा देखो हाय करो, बहुत ज़्यादा खुश है कि तैयार करा करके। तो चलिए बर्थडे में जाकर मिलते हैं आपसे। मैंचो हीरो पीछे पीछे, ये कौन है, कौन है पार्ट ये रचो, ये क्या कह रहा हूं मैं, अभी मत पकड़ना ठीक है मम्मा, की क्या है ये, क्या है तोसु मां को दे दो, दे दे ना उसको, अरे गुब्बारा दे दे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर उमंग, हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस यू, मे
बर्थडे कर देंगे ये। तो गाइज बर्थडे से घर आ चुके हैं और अभी तो सुबह गल में बच्चों के साथ खेल रहा है। बाकी खाना तो अब नहीं खाना है क्योंकि पेट भर रखा है। समोसे चाउमीन वगैरह थी, केक वगैरह था, तो पेट भर गया है तो सुखा भी मेरा भी। दूध गर्म करती हूँ, दूध पीती हूँ और गला मुझे लग रहा है ज़्यादा खांसी होगी क्योंकि ऑयली खा दी। गाइज इतने दिनों में मैंने एक चीज़ तो रियलाइज़ करी है कि सुख मतलब जैसे बोलते हैं ना कि लड़की को कि शादी कर लो, एक ना एक दिन तो शादी करनी पड़ेगी, सुख दुख में साथी होना बहुत ज़रूरी है मदद के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब शादी के बाद ज़रूरी नहीं है कि मदद के लिए सुख सम एक दूसरे के साथ ही हो, मजबूरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एक दूसरे से दूर रहना पड़ सकता है। देखो मेरे को ही देख लो, मैं अकेले हूँ, मेरे हस्बैंड गाजियाबाद में हैं, अब वो आएंगे भी तो कितने दिन के लिए आ सकते हैं, कितने दिन की छुट्टी आएंगे, एक या दो दिन के लिए, उसमें तो मेरी कोई हेल्प नहीं हो सकती। बाकी और फैमिली वालों से कुछ एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि जो मैं लेके आया है मैं तुम तो उसी से बोल सकते हैं जिसे शादी करी है, पति से ही बोल सकते हैं कि आओ मेरी हेल्प करो, मैं बीमार हूँ ये वो, और उसे तो हम बोल नहीं सकते क्योंकि हमारा जो हक बनता है वो सिर्फ पति से बोलने का बनता है और उसे बोलने का नहीं बनता। और अगर खुद से करना चाहें तो वो कर सकते हैं, बाकी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हम। तो अचानक से तोसु आ गया था ना, वहाँ कमरे में गया था बच्चों के साथ खेलने के लिए, तो अभी आ गया है। कहाँ गया था खेलने? गया था, खुद को ही देखता है पागल बच्चा। हैप्पी बर्थडे में कैसा करा ये दूध? बर्थडे में कैसा करा आपने? दूध नहीं है, वो चाय है उसमें। तो गाइस ब्लॉग को भी यहीं तक रखती हूँ। आई होप कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, कमेंट भी करें अच्छे अच्छे। बाकी अपना सपोर्ट और अपना सपोर्ट यूँ ही बनाए रखें। मैं कविता, मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय भारत, जय साईं राम।